हेलो गाइस, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है और ये है जीके का क्लास रात को 8:30 बजे। ठीक है, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले उस पर आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। आज का जो टॉपिक है ये है हमारा फर्स्ट वुमेन अचीवर्स के ऊपर, भारत की जो महिलाएँ पहली बार कोई कारनामा कर चुकी हैं, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वुमेन्स अचीवर्स के ऊपर ये क्लास है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जनरल नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आप लोग को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि थैंक यू आप सभी का जो आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं और क्लास भी आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आएगा तो, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट इंडियन वुमेन अचीवर्स के ऊपर, तो स्टार्ट करेंगे आज का अपना क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन हैं और चार चार ऑप्शन दिए गए हैं हर क्वेश्चन के लिए। आप लोग अपने आप को जज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चार ऑप्शन रहेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा अगर आपको सही उत्तर पता है तो, नहीं पता है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आज आपका पूरा डाउट यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा और इस क्लास का पूरा पीडीएफ भी आप लोग को दे दूंगा जो कि मिलेगा आप लोग को हमारे वेबसाइट पर जो कि है successki98.in। ठीक है, तो स्टार्ट करवाते हैं आज का ये क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज के पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए, वर्ष देखिए क्या बोला, वर्ष 1887 में पहली भारतीय महिला चिकित्सक कौन बनी है, ये आप लोग को बताना है। वर्ष 1887 में पहली भारतीय महिला चिकित्सक कौन बनी है, इंडियन फर्स्ट इंडियन फीमेल फिजिशियन की मैं बात कर रहा हूं, ये आप लोग को बताना है। चार ऑप्शन इसके हैं, सही उत्तर पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है नोट जरूर कीजिएगा, पूरा पीडीएफ आप लोग को मिलेगा रिवीजन के लिए। चलिए, पहले क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग को देना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, इसका सही जवाब जो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि है आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जो है वो भारत की पहली महिला चिकित्सक हैं, ये आप लोग को याद रखना है। फर्स्ट इंडियन फिजिशियन, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सारी जो फर्स्ट महिलाएं हैं जो प्रथम बार कुछ कारनामा करके दिखाई हैं वो सारे आज क्लास हैं, तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। टोटल 30 क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 30 के 30 क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ अब। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आ चुके हम लोग। कौन हाल ही में कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोटर बाइक की सवारी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये आप लोगों को बताना है। कौन है इनमें से, ये चारों ऑप्शंस में से, जो हाल ही में कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोटर बाइक की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, जी हाँ बिल्कुल, इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो कि है रोशनी शर्मा। ऑप्शन नंबर ए, रोशनी शर्मा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जरूर याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी, ये आप लोग को बताना है। निम्न में से कौन देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी है, ये आप लोग को बताना है। आप लोग के जनरल नॉलेज के लिए भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी कमेंट कीजिएगा इसके लिए, इसका सही सही उत्तर आप लोग को बताना है कमेंट्स में, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जो जवाब होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, काजल अवस्थी। ऑप्शन नंबर बी, काजल अवस्थी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, तो जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, काजल अवस्थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं अब जल्दी से। कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग है, या पहली अपंग महिला है, ये आप लोगों को बताना है, डिजेबल्ड। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एम्प्यूट कौन है फर्स्ट, जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, बहुत ही
प्रेरणाजनक इनकी कहानी है, तो आप लोग को इनका इनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए और जानकारी भी रखना चाहिए ये कौन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हमारा बहुत सारे फ्रेंड्स को ऑलरेडी पता होगा, ऑप्शन नंबर डी अरुणिमा सिन्हा है। ऑप्शन नंबर डी अरुणिमा सिन्हा इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है मेरे चौथे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूं इस क्वेश्चन से, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था, इसका सही जवाब था आनंदी बाई गोपाल राव जोशी, जो पहली भारतीय महिला चिकित्सक है, और साथ ही साथ इन्होंने ही एक उपाधि और रखी है। क्या? पहली महिला ये है जिन्होंने यूएसए की सवारी की थी, मतलब पहली यूएसए जाने वाली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने वाली भी ये पहली महिला है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी आनंदी बाई गोपाल राव जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहां से ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो हमारा चल रहा था चौथा क्वेश्चन, जी हाँ, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया, अरुणिमा सिन्हा जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक भारतीय मॉडल का नाम बताइए जिन्होंने मिस वर्ल्ड 1966 जीता है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, पहला मिस वर्ल्ड था ये भारत के लिए। ठीक है, एक भारतीय मॉडल का नाम बताइए जिन्होंने मिस वर्ल्ड 1966 जीता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रीता फारिया पॉवेल। ऑप्शन नंबर ए जो आप लोग को दिख रहा है, रीता फारिया पॉवेल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए छठे नंबर पर अब जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी है, जल्दी कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी आरती शाह। ऑप्शन नंबर बी आरती शाह इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, 1959 में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया था और 1960 में इन्हें भारत का एक काफी महत्वपूर्ण अवार्ड दिया गया था, जो कि है पद्मश्री अवार्ड, और ये पहली भारतीय महिला है जिनको पद्मश्री दिया गया था। आरती शाह नाम याद रखिएगा, इनको दिया गया था पद्मश्री। ठीक है, 1960 में दिया गया था और पहली भारतीय महिला यही है आरती शाह, जिनको दिया गया था पद्मश्री, और साथ ही साथ ये पहली महिला है जिन्होंने अंग्रेजी चैनल पर तैरा था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, जो कि आज का सातवां क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए और कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, जल्दी कमेंट कीजिएगा इसके लिए। चलिए, जी हां, बिल्कुल, इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है मिताली राज, और इन्होंने ये दोहरा शतक जो है ये लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आप लोग याद रख सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पहला दोहरा शतक लगाने वाली टेस्ट क्रिकेट में भारतीय महिला है मिताली राज, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, चलिए आठवें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। नोबल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बच्चे बच्चे को ये क्वेश्चन पता है और बहुत ही कम एज से हम लोग खुद भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका सही जवाब तो सभी को पता होना चाहिए। सही इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी मदर टेरेसा। ठीक है, आठवें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मदर टेरेसा। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो इसी काम में लगा दिया है, एनजीओ चलाने में और लोगों की भलाई करने में। ठीक है, तो नोबल पीस प्राइज की विनर पहली भारतीय महिला है मदर टेरेसा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं, नौवें नंबर क्वेश्चन पे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? बच्चे बच्चे को ये सारे क्वेश्चन पता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। शीला दीक्षित,
ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी या निर्मला सीतारमन। तो सभी को पता है यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरा ऑप्शन नंबर सी जो कि है इंदिरा गांधी। ठीक है, तो याद रखिएगा नौवें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है इंदिरा गांधी। साथ ही साथ आप लोग को एक और चीज बता देना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ही एक पहली भारतीय महिला है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों चीज आप लोग को याद रखना है। पहली भारतीय महिला जिनको भारत रत्न दिया गया वो इंदिरा गांधी ही है, ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही साथ पहले भारतीय महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी हैं, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए दसवां नंबर क्वेश्चन आ गया है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है या कौन बनी थी, ये आप लोगों को बताना है। सभी को पता है अब तक की एकमात्र राष्ट्रपति महिला यही है, सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल है। तो नाम याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ग्यारहवें नंबर पे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ग्यारहवें नंबर के लिए जल्दी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब भी सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी है जो कि है कल्पना चावला। ठीक है, हम लोग बुक्स वगैरह में बहुत बार पढ़ चुके हैं, न्यूज में भी देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी कल्पना चावला। एक चीज नोट कर सकते हैं आप लोग, 1997 में ये स्पेस पर गई थी, 1997। तो ये आप लोग चाहें तो ये ईयर भी नोट कर सकते हैं। चलिए बारहवें नंबर क्वेश्चन पर आ चुका हूं मैं, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी। कमेंट कीजिए जल्दी से, बड़ा ही आसान आसान सा क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग को ये सब चीज नहीं पता तो और क्या पता होगा, अगर आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो। जल्दी कमेंट कीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, आईपीएस अधिकारी भारत की पहली कौन है महिला। ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी किरण बेदी, ऑप्शन नंबर डी किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी अभी गवर्नर है पौंडुचेरी की, जो कि मैंने गवर्नर वाले क्लास में ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, भारतीय वायुसेना में पहली महिला उड़ान अधिकारी कौन है जिसे अदालत ने मार्शल किया। जल्दी कमेंट कीजिएगा, भारतीय वायुसेना में पहली महिला उड़ान अधिकारी कौन है जिसे अदालत ने मार्शल किया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है ये। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो कि है अंजलि गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए अंजलि गुप्ता इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाता हूं, 14 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए और सही सही जवाब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक चीज का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो इस क्लास को पसंद कर रहे हैं, जीके का क्लास रात को 8 बजे बहुत सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ये जीके का क्लास सारे सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं NTPC और RRB का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर मैं आप लोग को दे देता हूँ। लड़ाकू जेट पर लड़ाकू मिशन को अंजाम देने के लिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है। कमेंट आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, जो कि मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है। जी हां, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भावना कांत, ऑप्शन नंबर ए भावना कांत। ठीक है, नाम याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भावना कांत। ठीक है, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, ये आप लोगों को बताना है। लड़ाकू विमान की बात कर रहा हूं, कभी भी आप क्वेश्चन का कोई भी उत्तर देंगे तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, विमान बोल रहा है, फर्स्ट पायलट बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बाद सही उत्तर दीजिएगा। यहां क्वेश्चन बोल रहा है लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, कमेंट कीजिएगा इसके लिए। 15वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। जी हां, इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी अवनी चतुर्वेदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग को एक और चीज बता देना चाहता हूं कि इन्होंने पहली बार जो फाइटर
एयरक्राफ्ट उड़ाया था वो था MiG-21 Bison। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही चर्चित हुआ था ये MiG-21 Bison। अभिनंदन ने भी इसी को उड़ाया था, MiG-21 Bison, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है। इसलिए बोल रहा हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है, कमांडर की मैं बात कर रहा हूं, फ्लाइट कमांडर बनने वाली। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से। 16वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, शैलजा धामी। ऑप्शन नंबर बी, शैलजा धामी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, जरूर याद रखिएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आ गया, नंबर 17, विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, विमान उड़ाने वाली। ठीक है, तो विमान से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विमान उड़ाने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी, ये आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शन में से एक सही जवाब है, जल्दी कमेंट कीजिएगा इसके लिए। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, सरला ठकराल। ऑप्शन नंबर डी, सरला ठकराल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हूं, हॉक जेट सोलो उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये सुनिए, हॉक जेट सोलो उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, ये आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन है, मोहना सिंह, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी या फिर हरिता कौर देओल। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है मोहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए, मोहना सिंह, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। 19वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब जल्दी से। जी हाँ, देखिए क्या बोला, 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी, 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन आसान है, अगर आप लोग रेगुलर टच में हैं तो ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीवी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सही उत्तर है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन भी आ चुका है, अब 30 क्वेश्चन है टोटल, और 30ों के 30 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन के लिए, देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। WTA यानी कि वोमेन टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, कि डबल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन में नंबर 1 स्थान पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ये आप लोगों को बताना है डबल रैंकिंग में। ठीक है, तो जल्दी कमेंट कीजिएगा इसके लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, सभी को पता होगा ये, मैं जानता हूं, बस आप लोगों को कमेंट सही जवाब करना है। जी हाँ, कंफ्यूज मत रहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर डी, सानिया मिर्जा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ये तो सभी को पता होगा, कमेंट कीजिए बस सही जवाब इसका क्या है। पीवी सिंधु, बिल्कुल भी नहीं है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सायना नेहवाल। ऑप्शन नंबर ए, सायना नेहवाल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, अपना आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सायना नेहवाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, 22वें नंबर पे। ठीक है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी, सभी को पता है ये, सभी को पता है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है, कमेंट कीजिए जल्दी से सही उत्तर। जी हाँ, बिल्कुल इसका जो सही जवाब है वो, जैसा कि मैं बता रहा था, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी है, मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर बी, मैरी कॉम, इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। 23वां नंबर क्वेश्चन आ गया, 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। मैंने आप लोग को अपंग भारतीय महिला जो थी पहली भारत की, उनके बारे में बताया, जो कि अरुणिमा सिन्हा थी,
और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, अपंग नहीं, ठीक है, पहली भारतीय महिला, ये आप लोग को बताना है। तो ये भी सभी को पता है। 23वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, बैचेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी बैचेंद्री पाल, ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका, सभी को तो पता ही है ये सारा चीज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। भारतीय एयरलाइंस की पहली भारतीय महिला पायलट की और कप्तान कौन थी, भारतीय एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस की मैं बात कर रहा हूं कि पहली भारतीय महिला पायलट और कप्तान कौन थी। बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा बनर्जी या दुर्गा बनर्जी, ठीक है, तो याद रखिएगा दुर्गा या दुर्गा बनर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप जाते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 1994 में भारतीय वायुसेना में एकल उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी, 1994, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 1994 में भारतीय वायुसेना में एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय पायलट कौन बनी है, यह आप लोग को बताना है। 25वें नंबर के लिए जल्दी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, हरिता कौर देओल, ऑप्शन नंबर डी हरिता कौर देओल इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 1993 में भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला कैडेट कौन बनी, ये आप लोग को बताना है। भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला कैडेट कौन बनी है, यह आप लोग को बताना है, कमेंट कीजिएगा 26वें नंबर के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है प्रिया झिंगन, ऑप्शन नंबर बी प्रिया झिंगन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 27वें नंबर पर आ गए हम लोग। वित्त मंत्री का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये आप लोग को बताना है। वित्त मंत्री का, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, अभी सभी को पता है कौन है, निर्मला सीतारमण है अभी करेंटली, तो निर्मला सीतारमण तो हो नहीं सकता, ममता बनर्जी तो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, और जे जयललिता चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, ठीक है, जिनका निधन भी हो चुका है। तो जल्दी बताइए वित्त मंत्री का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सही जवाब सभी गेस कर चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी 27वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी, ठीक है। 28वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और तीन क्वेश्चन बचा है बस 30 तक। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी, कमेंट कीजिए जल्दी, ये क्वेश्चन का सही जवाब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी, जल्दी से इसके लिए कमेंट कीजिएगा 28वें नंबर के लिए। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है अन्ना रजम मल्होत्रा, अन्ना रजम मल्होत्रा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि 1951 बैच की ये थी, ठीक है, तो आप लोग चाहें तो अपनी जानकारी के लिए इसको नोट कर सकते हैं। 29वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम बताइए, जल्दी बताइए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम आप लोगों को बताना है, इसके लिए ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर भी कमेंट्स क्या आ रहे हैं। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, आज का आखिरी क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, कमेंट कीजिएगा जल्दी से, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, इसके लिए कमेंट कीजिएगा। जी हाँ इसका भी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, क्या है जवाब, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं कि इनको ब्रोंज मेडल से नवाजित किया गया था और पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल हासिल किया था, वेट लिफ्टिंग में इनको ये ब्रोंज मेडल दिया गया था, तो आप लोग चाहें तो जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं। क्लास का जब पीडीएफ मिलेगा तो आप लोग को एक्स्ट्रा जानकारी भी वहां पर अपलोड करा दिया जाएगा, आप लोग जरूर एक बार पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना डाउट जो भी है क्लियर कर दीजिएगा। फिर भी अगर जीके का क्लास में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है,
तो कमेंट कीजिए, उसका उत्तर जरूर आप लोग को दिया जाएगा, जैसा आप लोग हमेशा करते आए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बस एक शेयर चाहिए सभी से, ताकि ये क्लास जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचे, जो भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं रात को 8 बजे फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तो एग्जाम जरूर निकलेगा। चलिए, टेक केयर गाइज, गुड नाइट, बाय बाय।